हाउस में अभी अभी शॉर्ट सर्किट हो चुका है, आग लग गई है। हिंदुस्तान लाइव पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे थे वो आज दोपहर को फिल्मिस्तान सदर बाज़ार जो थाना है उसके करीब का ही ये चमेलियान रोड है, यहाँ अमानत हाउस में आग लगी। ये सालिम कुरैशी भाई का मकान है जिन्हें तब्बू भाई के नाम से भी जाना जाता है। ये वही मकान है जो तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, उनकी दोनों बेटियाँ इस आग की नज़र हो गई और कुछ इस तरह से कि बच्चियों ने अपने को बचाने के लिए एक बाथरूम में बंद कर लिया। वो सोचने लगी कि शायद हो सकता है आग वहाँ नहीं पहुँचे, धुआं वहाँ नहीं पहुँचे और हम बच जाए। घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद इतना धुआं था कि फायर कर्मी जो यहाँ, जैसे मकामी लोगों ने बताया, जिनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि फिल्मिस्तान फायर स्टेशन यहाँ से मुश्किल 100-150 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन ये मकान जिस जगह आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को पूरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं और एक सच्चाई भी ये बताना चाहता हूं कि यहां लोगों ने बराबर कॉल किया, एक बार नहीं न जाने कितनी दफ़ा पुलिस कंट्रोल रूम को, फायर कंट्रोल रूम को फ़ोन करते रहे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फायर कर्मी यहां पर लगभग 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे। वो भी किस जगह की आपको बात बता रहा हूं, जो बिल्कुल बराबर में ही फायर स्टेशन करीब में है, कहीं दूर से नहीं आना पड़ा था कि 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये मकान जो आप देख रहे हैं वहाँ दोनों सगी बहनें, एक 16 साल की गुलाशना और दूसरी इनाया 12 साल की, वो जब तक लुक्मा अजल हो गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं आप तमाम लोगों से, जो लोग भी इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, क्योंकि आग लगना ये कोई किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी कहीं भी एक्सीडेंटली हो जाता है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जिस वक्त आप खुदा न खास्ता देखें कहीं आग लग रही है तो सबसे पहले अपने बच्चों को, खुद को, घर के अपने अहल वयाल को बाहर निकालने की कोशिश करें कि कहीं से भी एक दरवाज़ा जो है बाहर निकलने का, या कहीं से कोई खिड़की ऐसी दिखे जहाँ से आप बाहर निकल सकें। बच्चियाँ नहीं निकल सकें, नहीं मालूम वल्ला आलम कि उनकी सोच उस वक्त में दोनों बच्चियों की, दोनों बहनों की, जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, जो मिलनसार थी, बहुत माँ बाप की बेहद लाडली थी, उन दोनों ने ये सोचा कि शायद हम बच जाएंगे और बाथरूम में किसी तरीके से अगर हम पहुंचेंगे तो ना आग ना धुआं वहां हम तक पहुंच सकेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, पीछे तक है, ग्लासेस टफेंड वगैरह के हैं, बहुत कोशिश की फायर कर्मियों ने लेट पहुंचने के बाद भी कि किसी तरह से ग्लास तोड़ करके निकल पाएँ, बच्चियों को निकाल सकें, नहीं हो सका था। बच्चियों के यहाँ जो फादर हैं हाजी सालिम शब्बू भाई, वो बैठे हैं, वो उस वक्त में यहाँ मौजूद नहीं थे, दिल्ली से बाहर थे, और उस वक्त में उनकी बच्चियों की माँ यहाँ थी, वो दरवाजे से बाहर आ गई, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि बच्चियाँ पढ़ने गई हुई हैं या कहाँ हैं। मेरे साथ इस वक्त में बच्चियों के मामू भी जुड़ने जा रहे हैं और साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी हैं,
खालिद कुरैशी, जिन्होंने अपने फ़ोन से कई मरतबा पुलिस कंट्रोल रूम को भी फ़ोन किया, फायर कंट्रोल रूम को भी फ़ोन किया और चीख चीख कर यहाँ के लोग बुलाने जा रहे थे। मुझे एक ने ये भी बताया कि बाकायदा यहाँ से फायर स्टेशन तक 2-3 स्कूटियाँ मोटरसाइकिलों पर लड़के भागे हैं लेने के लिए कि किसी तरह से फायर कर्मी यहाँ पर पहुँच जाएँ, जल्दी से जल्दी आ जाएँ और आग को बुझा लें, बच्चियों की, उन दोनों सगी मासूम बहनों की जानें बचा लें। लेकिन ये अल्लाह अज़्ज़ोजल को मंजूर नहीं था और बस वो बहुत बुरा हुआ, दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। मुझे पूरी बात आपसे समझनी है, किस तरह से हुआ, क्या कुछ हुआ। देखिए, दोनों बच्चियां जो है, उनकी वालदा जो है, उनको ये ऐसा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो बच्चियां स्कूल गई हुई हैं, जबकि वो सुबह अपने मामू आसिफ के साथ गई थी बच्ची, और वो बाद में ड्रॉप करके बच्ची को चले गए और बच्ची अपने रूम पर जाके सो गई और वालदा को इस बात का पता नहीं था। और ये तकरीबन 2:45 हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर ये रहा कि बच्चियाँ डर गई बुरी तरह से और उन्होंने जो है रूम के अंदर जाकर, बाथरूम के अंदर जाकर पना लेने की कोशिश करी और वहाँ पर उनका दम घुट गया और वो दम घुटने में बच्चियाँ बहुत परेशान हुई और रो रो कर दबक बिदकती रहीं और अपने वालिद को भी फ़ोन किया उन्होंने, पापा हमें जो है बचाओ, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमारा दम घुट रहा है। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह बस उनकी कोई मदद। उस वक्त बच्चियों से वालिद उनके कितनी दूर थे, जिस वक्त बच्चियां, वो वालिद उनके जो है मुरादाबाद, वहाँ हम लोग लखनऊ में थे, बट फोन पे थोड़ी देर रब्ता उन्होंने किया बच्चों ने करीब 2:30 बजे करीब, फिर उसके बाद में जो है फिर ये फायर कर्मियों की सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि करीब में फायर स्टेशन है, उसके बावजूद यहाँ पर फायर से 150 मीटर की दूर पे या 200 मीटर की दूरी पे फायर स्टेशन है यहाँ पर, उसके बावजूद भी कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आए और उसमें भी जो है ना उनके पास जो है ऑक्सीजन के जो है पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं था, वो गए लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से दोबारा फिर उन्होंने मंगाया, उसमें उन्होंने काफ़ी देर कर दी ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने में ताकि वो सांस वांस लेके जाएं, उस चक्कर में भी काफ़ी लेट हो गया और इस बीच बच्चियाँ जो है उसके अंदर कमरे के अंदर बंद रहीं और उनका दम घुटने से ये हादसा हो गया। लगभग कितनी देर लगी थी फायर कर्मियों को आने में, अगर कोई बता सके, कोई मौके पे था उस टाइम? इधर आइए, आगे आइए। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद ही आई है फायर ब्रिगेड, इतने करीब में होने के बाद भी। भाई पहले भी यहाँ पे काफी एक बार और आग लगी थी, बाड़े के अंदर लगी थी, तो तब भी जो है 2-2.5 घंटे लगा दिए उन्होंने, बिल्कुल पास में ही है। वजह क्या है उसकी, क्यों नहीं पहुँच पाते ये लोग, या ये क्या एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल है कि यहाँ चमेलियान रोड पर कसाबपुरे में यहाँ पे पहुँचने में परेशानी हो रही है? यहाँ से कुछ लोग जो है बाईस स्कूटर भी लोग गए वहाँ पर, और 22 स्कूटर भी गए वहाँ पर, उनको जाके इतला करी और उनको वहाँ पर जाके बोलने लगे कि आप वहाँ चलिए, तब वो 22 स्कूटर जो लोग गए थे उनके कहने पे भी आए वो लोग, वैसे तो उनको कोई खबर ही नहीं थी, फोन पहुँच रहे थे फिर भी वो कुछ सूझबूझ नहीं ले रहे थे। मतलब लोग फायर स्टेशन खुद भाग भाग के जा रहे थे, 2-व्हीलर्स पे गए और जाके उनको लेकर आए यहाँ पर। किस तरह का वो मंजर था जैसे हमने देखा है, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला कि घर के अंदर से धुआं इतना निकल रहा है, बच्चियों का क्या हाल हुआ होगा अंदर? पूरा इलाका ही अफसोस में है, सदमे में है पूरा इलाका ही, ये हुआ क्या है? बिल्कुल, पूरे इलाके के लिए रंज और गम की वाकई ये खबर है जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग यहाँ सब मिलने भी पहुँच रहे हैं, हाजी सालिम कुरैशी और शब्बू भाई से लोग इनके घर पे भी आ रहे हैं उन बच्चियों को देखने के लिए, इनके तमाम रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब जो इनके जितने भी अहल वयाल हैं ये लोग पहुँच रहे हैं, दिल्ली के बाहर से भी यहाँ पर आ रहे हैं। बस सबका यही है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया, कैसे शॉर्ट सर्किट घर में हुआ, किस तरह से एकदम अचानक से आग लगी और कैसे ये इतना बढ़ता चला गया कि वो बच्चियाँ जो हैं वो इस धुएँ की नज़र हो गई और उनका दम घुट गया। हर इलाके के लोग यहाँ जिसको भी पता लग रहा है वो लोग चले आ रहे हैं। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, दोपहर से लगातार बातचीत चल रही थी मेरी, मेरे साथ गुफरान आफरीदी भी हैं, राष्ट्रीय सहारा से रिपोर्टर हैं। गुफरान मौके पे पहुँचने वालों में पहले थे, गुफरान क्या कुछ था पूरा पस मंज़र एक बार दर्शकों को बताओ तो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा दर्दनाक और ऐसा ख़तरनाक वाकया पूरे इलाके में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। मतलब कि मैं यहाँ ऑन द स्पॉट, मुझे यहाँ से कॉल वगैरह आ गया था, मैं यहाँ पहुँच गया था जल्दी ही 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर, लेकिन मेरे वाकई रोंगटे खड़े हो रहे थे यहाँ देखने के बाद, किस तरह से यहाँ का जो हालात थे, यहाँ का जो मंज़र था वो वाकई बयान नहीं किया जा सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चियाँ, जो मासूम बच्चियाँ थीं, वो कमरे के अंदर किस तरह से, मतलब किस हालत में होंगे, मतलब कि ये कि अल्लाह ही बस उनकी मगफरत करे। और रास्ता नहीं मिल पाया या फायर कर्मी वहाँ तक पहुँचने में देर हो गई या घर वाले
मौजूद नहीं थे घर में, सुना था कि गार्ड थे और बच्चों की माँ थी, उनको नहीं पता लग पाया। नहीं नहीं, फायर कर्मी की तो काफ़ी ज़्यादा कमी यहाँ पर देखी गई है। ख़ास तौर से मैंने देखा ये है कि उनके पास पूरा जो आलात, यानी उनके जो सारा पूरा जो उनका इक्विपमेंट्स होता है, जो उनके सामान होते हैं, वो तमाम नहीं थे। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। और मैं तो कहना चाहूँगा जो फायर ब्रिगेड के जो अमले के जो सीनियर अफसरान हैं, वो यहाँ पर आके देखें कि यहाँ पर किस तरह से दो मासूम बच्चों की जो जान चली गई, उसमें किस तरह से वो उनकी लापरवाही थी, उनकी गफलत थी, वो कहीं ना कहीं वो सामने आनी चाहिए और उनका जो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो यहाँ पर जो दिगर लोग मतलब कि लगे हुए थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने मतलब मिलती है कि वो यहाँ पर आते और यहाँ उनके हवाले कर देते हैं। मुझे लेकिन लोगों ने बताया कि फायर कर्मियों के पुलिस के आने से पहले अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो कूद गए किसी तरह से हम बचा लें अंदर कुछ पता, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं कि अंदर किस तरफ बाथरूम है, किधर कौन सा कमरा है, वो भी एक बड़ा मुश्किल बनी। ये बात लॉकिंग, जो लॉकिंग सिस्टम था ना यहाँ पर, लॉकिंग सिस्टम था, वो लॉकिंग सिस्टम की वजह से फिंगरप्रिंट की वजह से खुलते थे, तो इसलिए नहीं खुल पाया था। और गिलास जो है टपक के थे, फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलते थे गेट्स, तो इसलिए नहीं कर पाए। और शीशे जो लगे हुए थे वो बहुत मोटे मोटे टपन के थे, जो बड़े मोटे उससे टूटे, उसमें भी काफी देर लगी। बिल्कुल, इस तरीके के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका तो खैर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि उन दोनों मासूम बच्चियों की जिस तरीके से जान गई है, स्टूडेंट्स थी दोनों, सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ने वाली थी और एक करोल बाग के स्कूल में पढ़ती थी। गुलाशना 16 साल की और इनाया 12 साल की, जैसे अभी मैंने बताया आपको, स्टूडियस थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो बच्चियाँ। घर के लोग, रिश्तेदार, उनके सब दोस्त अहबाब यहाँ पर सलीम जो सालिम कुरैशी हैं, शब्बू उनकी से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी संवेदनाएं व्यक्त करने यहाँ पर आए हैं। उनके भाई, बड़े भाई यहाँ पर नासिर कुरैशी जो मुरादाबाद से साथ विधायक हैं, और वो यहाँ मौजूद थे मौके पर, उनके सामने सब ये चल रहा था, उन्होंने भी आए हुए थे, वो पहले से मौजूद थे यहाँ पर। तकरीबन ढाई जैसी खबर लगी, वो यहाँ आसपास करोल बाग में थे, फोन सुनते ही फौरन आ गए यहाँ पर, और यहाँ तकरीबन उनके सामने सब ये सब मतलब वो करोल बाग से यहाँ तक आए, जो इनके हाजी शब्बू के भाई हैं वो यहाँ तक आ गए, हाजी नासिर साहब वो आ गए एकदम, हाजी नासिर साहब वहाँ से यहाँ करोल बाग आ गए, लेकिन नहीं आए तो फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई ना, फायर स्टेशन लेट आई, सभी यही शिकायत कर रहे हैं। आप लोग थे कोई उस वक्त मौके पे, अगर उस टाइम में मुझे बताए, बाहर आने में टाइम लगाया नहीं तो, आप थे? जी मैं था। अच्छा, क्या देखा था उस टाइम? वो धुआं निकल रहा था ऊपर से, बच्चों के मामू यहाँ थे उस वक्त, मुझे बता रहे थे आने में टाइम ज्यादा लगाया, इस वजह से नहीं तो बच्चे फरहान भाई, मैं तो पहले जिस तरह से अभी आपने कही ना कि अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कोई ऐसा कोई हादसा होता है, तो मैं तो जिस तरह से अभी आपने पहले कहा कि बच्चों से मैं खास तौर से अपील ये करना चाहूँगा कि वो घर से बाहर निकले, यानी जो हमारे स्कूल में या फिर कॉलेजेस वगैरह मॉक ड्रिल होती है उसमें यही समझाया जाता है कि घरों में ना रहें या अंदर के रूम में ना जाएं, या आग लगने पर, जलजला आने पर, बिल्कुल बिल्कुल कोई एक पर या किसी भी तरह से कोई अनहोनी हो जाए, खुदा ना खासा इंच हो जाए, तो वो घर से बाहर निकले। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आप घर पे रहें तो ये चीज़ें आइंदा ना हो खुदा ना खासा, लेकिन ये अल्लाह ताला पसमानगार को, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमा, खास तौर से इनके वालिदैन को, सालिम शब्बू भाई को, और इनके जो तायब्बा हैं हाजी नासिर कुरैशी साहब जो विधायक हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमा, इनके सब लोगों को, सब खानदान वालों को। और ये वाकई बहुत दर्दनाक और बहुत मतलब कि ऐसा हादसा है, बाकी इसकी कुछ नहीं कह सकता, अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं था फरहान भाई यहाँ पे, आप थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अरशद, हाँ बताइए। एसी लगा रहा था यहाँ पे, एसी लगा रहा था यहाँ पे, जो एसी लग रहा है ये लगा रहा था मैं, एसी 12:30 बजे के टाइम होता। कौन सा एसी लगा रहे थे आप? जो एसी लग रहा है। अच्छा, ये मकान के बराबर वाला, किसी और का लगा रहे थे आप? नहीं नहीं, इसी ये अपनी है। ओके, लगा रहा था मैं। ओके, तो 12:30 बजे का टाइम होता कम से कम, तो आवाज आई एक फट गया, तो मैंने होता था टायर फटा हो कोई, तो जब इसी बिल्डिंग से बच्चे निकल के आए और जब घुसे घर में यहाँ पे, तो बच्चों ने कहा तुम्हारे घर में आग लग गई, छत पे धुआं उठ गया। तो जो मालकिन है घर की, तो वो नीचे ही थी, और उन्होंने जब देखा ना तो जीने पे सामने धुआं ही धुआं था और उनकी मत कटी हुई थी कि हाय मेरी बच्ची भी ऊपर है, अब कोई जल्द निकालो। तो यहाँ पे जो थे जिन्हें देख रहे थे तो सब वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे कोई मतलब हेल्प करने वाला था नहीं, मैं अंदर घुसने की हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे जो हेल्पर था और मैं, तो जब हम अंदर घुसे तो मुश्किल से एक सेकंड में हम समझ रोक नहीं जा रही थी, इतना अच्छा काला धुआं था। जब आप अंदर गए तो उस वक्त में एक मिनट भी नहीं रुका गया, हाँ जी ने पूरा काले धुआं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, सीढ़ी पैरी तक नहीं दिख रही थी। फिर मैंने यहाँ से निकल के फिर इसी बिल्डिंग से ऊपर गया छत पे, पीछे से मैं दीवार हो करके किसी सूरत से अंदर घुस गया घर में। पहला गेट मैंने खोला तो वॉशरूम का था, वो ओपन था। फिर दूसरा मैंने गेट खोला तो उसमें बच्चियां नहीं थी, नहीं नहीं, फिर दूसरा खोला तो वो जिम का गेट था, वो भी ओपन था।
फिर जब तीसरे जीने पर आया मैं, तो जीने पर जब देखा तो वो गेट लॉक था अंदर से। फिर बहुत कोशिश करी मैंने खोलने की, लेकिन ओपन नहीं हुआ गेट। फिर मैंने वापस होकर के फिर मैंने यहाँ से आवाज़ दिया ऊपर से, मैंने भाई गेट नहीं खोल लिया ऊपर का, कोशिश करी मैंने कुछ मतलब मिला बिल्कुल आप भी बेबस हो गए। हाँ, हाँ, कि मदद करने के लिए पहुंचे भी लेकिन पूरी तरह बेबस हो गए, नहीं कर पाए। फिर हाँ, फिर मैंने यहाँ से कहा, मैंने भाई अगर किसी को आना है तो यहाँ पे इधर आ जाओ, छत तो कुछ ऐसा था नहीं जो कि शीशा तोड़ दें। और फिर भाई साहब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं शीशा तोड़ दूँ। फिर यहाँ पे आया कि यार तुम ऊपर गए, तुमने शीशा क्यों नहीं तोड़ा। फिर उस टाइम पे फिर 5 बजे की रोटी आ गई है। एक गाड़ी में थोड़ा सा पानी लेकर के आई, मुश्किल से 2 मिनट में पानी, मतलब एक तो पौन घंटे एक घंटे बाद एक गाड़ी आई करीब आई, फायर टेंडर 2 से 2.5 बजे के टाइम पे एक गाड़ी आई और वो भी पर्याप्त पानी नहीं लाई, पूरा पानी नहीं था, 2 मिनट में पानी खत्म हो गया। फिर उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में एक गाड़ी और आई, उसका भी पानी खत्म हो गया, उसका भी पानी खत्म हो गया। फिर 2-3 और गाड़ियां आई, 2 और गाड़ियां आई थी उसके बाद में, और यहां से ले रहे थे आरोहा स्टेशन, यहां से 400 मीटर अराउंड होगा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट में आदमी पहुंच सकता है। यहां से बताया अभी लगभग गेट 200 मीटर भी नहीं है भाई, यहां ये आरो लगा हुआ है, आरो का पानी ले रहे थे लोग, बिल्कुल आरो का पानी ले रहे थे और अंदर से पानी लिया है, ये हालत है। गुफरान आखिरी बात एक और करूंगा, बाकायदा ये भी बताया लोगों ने कि फायर कर्मी एक तो लेट पहुंचे, पानी कम था, और दूसरी बात उनके जो पाइप्स थे जो हाई प्रेशर पाइप्स होते हैं वो भी फट रहे थे जगह जगह से, कि उनको जोड़ना पड़ रहा है, पकड़ना पड़ रहा है, मतलब किस तरह की सिचुएशन है। ये राजधानी दिल्ली का हाल है फरमान, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा। अभी अभी मुझे ये बात बताई थी खालिद कुरैशी ने, एग्जैक्टली मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, आपकी बात को बढ़ाना चाहूँगा। जो उनके पास स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी, वो भी बिल्कुल ऐसी हो रही थी जो कहीं ना कहीं से टूट रही थी, मतलब इतना उनकी ख़राब सूरत हाल, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मतलब इतनी लापरवाही और इतनी गफलत थी। और मैं कहना चाहूँगा कि इसकी पूरी तरह से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड अपने की जिम्मेदारी बनती है कि उसने किस तरह से यहाँ पर काम किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जाँच होनी चाहिए, और जिस तरीके से ये गुलाशना और इनाया दोनों सगी बहनों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है, दम घुटने से बाथरूम में, अपने को आँख से छिपाने के लिए, किसी तरीके से धुएं से बचाने के लिए दोनों बहनें बाथरूम में बंद हुईं, तो बस मौत की शक्ल में बाहर निकल करके आईं। मैं यही दुआ करता हूं कि उनके वालिद जो हाजी सालिम कुरैशी शब्बू हैं, उनको, उनकी अहलिया यानी बच्चियों की माँ बाप को, उनके तमाम रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको सब्र जमील अता फरमाए। अलावा उसके आप तमाम लोगों से अपने बच्चों को ज़रूर समझाइए कि खुदा न खास्ता अगर आग लगती है घर के अंदर, किसी भी कमरे में, कहीं किचन में, बाथरूम में, किसी जगह पे, अपने स्टोर रूम वगैरह में अपने को कैद ना करें, कैसे भी करके खिड़की की तरफ या घर के मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ कहीं से भी दौड़ने की कोशिश करें कि बस किसी भी तरह से निकल के अपनी जान को बचा सकें। बिल्कुल कल दोनों बहनों का इनकी तदफीन की जाएगी, कब का वक्त रखा गया है? 10 बजे का, सुबह 10 बजे के करीब इंशाल्लाह वक्त रखा गया है, तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचें और उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, और ये कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को खास तौर से अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए परवरदिगार आलम, और अल्लाह इनके घरों के अंदर अल्लाह ताला आइंदा ऐसी कोई आफत ना हो, और तमाम लोगों के घरों में ऐसी आफत ना आए, ऐसी हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे करम फरमाए परवरदिगार आलम, और अल्लाह ताला जितने मरहूमिन अल्लाह ताला सभी की मगफिरत के फैसले अता फरमाए। आज क्योंकि शबे कद्र की रात है, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फरहान भाई की अल्लाह ताला हमारे बरकत अता फरमाए, जिस तरह से ये काम करते हैं निडर होकर बेखौफ होकर, अल्लाह इनके खुदा ताला परवरदिगार इनकी खूब उम्र में बरकत दे और इनको सेहत अता फरमाए, और इनको अल्लाह ताला हर तरह से जान माल इज्जत आबरू ईमान की तहफ़ुज़ अता फरमाए परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ इस वक्त चमेलियान रोड फिल्मिस्तान सदर बाज़ार से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।